मारुति सुजुकी वर्तमान में इंडियन कार मार्केट में राज करती है, पर कहीं ना कहीं टाटा और हुंडई की कारों की जबरदस्त डिमांड ने मारुति के कान खड़े कर दिए। यही कारण है कि मारुति अपनी लाइनअप को लगातार जो है मजबूत कर रही है। अब जो नई खबर आ रही है उसके अनुसार मारुति अपनी अल्टो K10 को पुनः भारतीय बाजार में रीलॉन्च करने की तैयारी कर रही है। मारुति ने हाल ही में ब्रेजा को रीलॉन्च किया है जैसा कि आप जानते हैं, और अगला नंबर एस क्रॉस को विटारा के नाम से एक बार फिर से लॉन्च किया जाएगा, जो हुंडई की क्रेटा को कड़ी टक्कर देगी। अब अल्टो K10 की बात करें तो कंपनी जोर शोर से इस पर काम कर रही है। आपको बता दें कि मारुति सुजुकी ने जो अल्टो K10 है उसको मार्च 2020 में भारतीय बाजार से हटा लिया था, क्योंकि BS6 इंजन कंपलसरी हो गया था, उसकी अनिवार्यता के चलते कंपनी ने उसको बंद कर दिया था। अब अल्टो K10 में आमूलचूल बदलाव किया जाएगा और ये काम टोयोटा के साथ मिलकर किया जाएगा। इसे एक क्रॉसओवर लुक दिया जाएगा, यानी ये हैचबैक और SUV का मिला जुला रूफ होगी, ऐसा आप देखने में महसूस करेंगे। K10 जैसा कि टाटा की पंच या फिर सिट्रोन की C3 क्रॉसओवर है वैसी ही दिखने वाली होगी, पर ऑल्टो के K10 इन कारों से जो है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ती रहने वाली है। दूसरे शब्दों में कहें तो इसे आप या फिर K10 को आप जो है सस्ती पंच या सस्ती C3 भी मान सकते हैं। तो इस K10 में 1.0 लीटर का इंजन मिलेगा, पेट्रोल इंजन और CNG दोनों इंजन ऑप्शन के साथ ये आएगी, और जो पेट्रोल इंजन होगा वो 70 BHP का शानदार पावर जनरेट करेगा। कंपनी इसे 4 लाख से 4.5 लाख के बीच में लॉन्च करेगी। मारुति की लाइनअप में ऑल्टो K10 का जो स्थान होगा वो ऑल्टो और एस क्रॉस से ऊपर होगा, जबकि स्विफ्ट जैसी कारों से ये नीचे रहेगी। तो कहीं ना कहीं ऑल्टो K10 का जो माइलेज है वो भी ज़बरदस्त रहने वाला है। पेट्रोल के साथ ये 23 KMPL का माइलेज दे देगी, जबकि CNG के साथ 32 KM/kg का माइलेज ये कार दे सकती है। ऑल्टो K10 के बारे में जो भी नई लेटेस्ट खबर होगी, ये कब तक लॉन्च होगी और भी ढेरों जो जानकारियां होगी, सबसे पहले हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ अवश्य जुड़िए। आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।